हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। दोस्तों, ये टीवी का जो प्रॉब्लम है, पार्टी जो बताया घर का, इसका एनसीबी टीवी का सप्लाई देने का साथ साथ वो स्टॉप हो जाता है। तो ये कैसे होता है, चलिए इसका ऊपर ये वीडियो है। दोस्तों, मेरा पास एनसीबी नहीं है, मेरा पास देखिए 200 वाट बल्ब में स्विच करके मैं सब कुछ टेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जब मैं सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई देने का साथ साथ ये 200 सीरीज बल्ब ऑन हो जाता है और टीवी पर सप्लाई वो नहीं जाता है। तो चलिए, एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है, ये टीवी का बैक कवर ओपन करके सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, मैं टीवी का बैक कवर एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मॉनिटर का एक ट्यूब है और इसका अंदर एक चाइना की ड्यूस है, तो लगता है कि इसका पावर सेक्शन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दोस्तों, इसीलिए ये पीसीबी को पावर सेक्शन को सब कुछ देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिए कि ये बिजली गिर जाने का बाद ये टीवी का फॉल्ट हो गया, इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि आप शुरू से लास्ट तक इसलिए देखिए, न्यू टेक्नीशियन को बहुत नॉलेज मिल जाएगा। तो इसीलिए पीसीबी को उल्टा करके काम करना पड़ेगा। तो इसका जो वायरिंग होता है, ये मैं सब कुछ ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ वायरिंग ओपन करने के बाद आपको जो दिखाना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर डिगसिंग कॉयल का जो वायर है, देखिए यहाँ पर ये जैक नहीं है, सोल्डरिंग करके कनेक्शन किया है। तो ठीक है, ये सोल्डरिंग को ओपन करना पड़ेगा। मैं डिगसिंग कॉयल का वायर को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन रीजन हो सकता है इस तरह प्रॉब्लम के लिए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। ये प्रॉब्लम जो होता है, देखिए फर्स्ट इसका जो PTC ये लूज कॉन्टैक्ट हो गया, तो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट ये डिगसिंग कॉयल का वायर मैं ओपन कर दिया और उसके बाद एसी सप्लाई कनेक्शन कर दिया, ठीक है। एसी सप्लाई कनेक्शन करने के बाद एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं सप्लाई दे देता हूँ, आप देखिए। तो एसी सप्लाई मैं जब देता हूँ, सेम तरह ये प्रॉब्लम देखा जाता है, क्योंकि इस तरह एक बार चेक करना पड़ेगा कि PTC शॉर्ट होने का बाद डिगसिंग कॉयल कनेक्शन करके टेस्ट करेगा तो इस तरह भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मैं फर्स्ट आपको इस तरह चेक करके देखा है। चलिए, उसका बाद जो देखना पड़ेगा, मैं एसी कॉर्ड को ओपन काट दिया, ठीक है, और पीसीबी को मैं उल्टा काट लेता हूँ। पीसीबी उल्टा काटने का बाद आपको जो देखना पड़ेगा, मेनली इसका पावर सेक्शन जो होता है, ठीक है। तो कौन कौन रीजन हो सकता है इस तरह प्रॉब्लम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसका जो मेन फ्यूज़ है, ये बहुत ही मोटा वाला फ्यूज़ है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरह शॉर्ट होने का बाद ये फ्यूज ही काट जाता है, लेकिन ये फ्यूज नहीं काट रहा है। तो मीटर को बार्जर रेंज पर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। बार्जर रेंज पर रख के इसका जो मेन चारों रेक्टिफाई डायोड होता है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। और ये जो PTC है, तो PTC लूज है, ये बाद में देखूंगा। तो फर्स्ट ये डायोड को एक बार चेक कर लेता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो पहला वाला जो डायोड है, लगता है ये ओके है, कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं है। तो उसका बाद ये दूसरा वाला डायोड देखिए, शॉर्ट दिखा जाता है, और ये तीसरा वाला डायोड कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं दिखा जाता है, और ये जो चार नंबर डायोड ये भी ठीक दिखा जाता है, लेकिन ये जो डायोड ये शॉर्ट दिखा जाता है। तो चलिए, मीटर कॉर्ड को थोड़ा सा घुमा के, इधर उधर घुमा के एक बार चेक कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए, जब मीटर कॉर्ड को घुमा के मैं टेस्ट करता हूँ कि डायोड का रीडिंग देता है, और ये जो डायोड ये शॉर्टिंग ही दिखा जाता है। तो अदर्स जो दो डायोड, ये भी रीडिंग दिखा जाता है। तो लगता है कि एक ही डायोड, ये डायोड शॉर्ट है। तो ये डायोड को जो चारों रेक्टिफाई डायोड होता है, ये एक डायोड चेंज करने के बाद ये चल जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर, ये भी शॉर्ट हो सकता है, ये एक बार चेक करके देखना होगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के बाद भी इस तरह NCP और डाउन हो जाता है और फ्यूज भी काट जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये डायोड ट्रांजिस्टर भी ओके दिखा जाता है। तो ये ट्रांजिस्टर को एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिस्टर काट जाने के बाद भी वो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर भी काट जाता है। तो लगता है कि इसका डायोड ही शॉर्ट है, डायोड चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये बिजली गिर जाने के बाद ये फॉल्ट हो गया। तो दोस्तों, बिजली गिर जाने के बाद जो प्रॉब्लम होता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसीलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, जो कुछ प्रॉब्लम मिलेगा सब कुछ आपको देखाऊंगा। और ये कैपेसिटर शॉर्ट होने के बाद भी फ्यूज प्रॉब्लम हो जाता है, NCB डाउन हो जाता है, और PTC शॉर्ट होने के बाद भी डाउन हो जाता है।
ठीक है, कुछ भी पार्ट्स प्रॉब्लम हो सकता है। फर्स्ट जो डायोड शॉर्ट मिला है, ये जो चारों डायोड है, मैं चारों डायोड को ही चेंज कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं डायोड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और ओपन करने के बाद मैं चारों डायोड ही लगाऊंगा, क्योंकि जब चारों डायोड अब लगाएगा तो ये जो रेक्टिफाई का जो सिस्टम, ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और वो लॉन्ग लास्टिंग करता है। दोस्तों पावर सेक्शन के अंदर ये जो चारों रेक्टिफाई डायोड यूज़ होता है, बहुत कुछ डायोड यूज़ होता है, और आप कुछ भी डायोड लगाएगा तो ये अधिकतर काट जाता है। तो मैं इसलिए बताता हूँ कि इसके ऊपर बहुत कमेंट आता है कि सर ये डायोड लगाया, वो डायोड लगाया, वो सब काट जाता है। तो आप पुराना पीसीबी से पावर सेक्शन का जो चारों डायोड होता है, रेक्टिफाई डायोड, वो डायोड ओपन करके लगाएगा तो तब भी वो बेटर होता है। आपका पास अच्छा क्वालिटी वाला न्यू डायोड नहीं है तो तब यहाँ पर आप कौन कौन डायोड यूज़ कर सकते हो, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं उसका चार्ट दे देगा, ठीक है, दे देता हूँ, ठीक है। तो ये डायोड आप कुछ भी डायोड लगा सकते हो ये पोजीशन पर। तो चलिए डायोड को मैं ओपन किया और इस टाइम आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ मीटर लेके, आप फॉलो कीजिए। देखिए ये डायोड शॉर्ट दिखा जाता है, और ये डायोड को उल्टा करके भी एक बार चेक करके देख लेता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। देखिए ये डायोड शॉर्ट दिखा जाता है, तो अब तो कन्फर्म हो गया ये डायोड शॉर्ट है। तो चलिए ये चारों डायोड को मैं ओपन करके न्यू डायोड लगाऊंगा, ठीक है। तो उसका बाद ये जो अलग डायोड मैं ओपन किया, ये एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये शॉर्ट है कि नहीं है। फर्स्ट आपको पीसीबी के ऊपर चेक करके दिखाया, और मैं बाहर करके एक बार टेस्ट करता हूँ, क्योंकि कुछ पार्ट्स को बाहर करके ही चेक करना पड़ता है। पीसीबी के अंदर वो सही कुछ कुछ पार्ट्स दिखा जाता है, लेकिन बाहर करने के बाद वो रीडिंग अलग हो जाता है। दोस्तों देखिए ये बाहर करके चेक करने के बाद ये डायोड ओके दिखा जाता है। तो लगता है कि तीनों डायोड ओके है, तो कोई बात नहीं, मैं तो चारों डायोड ही चेंज कर दूंगा, अलग डायोड और चेक करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देख सकते हो ये चारों डायोड को मैं ओपन कर दिया। तो चलिए मेरा पास न्यू डायोड है, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये पुराना वाला डायोड जो है, इसका नंबर कैमरा पर अच्छा नहीं दिखा जाता है। तो चलिए तब भी कुछ भी बात नहीं है, मैं तो आपको दिखा दिया यहाँ पर आप कौन कौन डायोड लगा सकते हो। तो मेरे पास ये जो डायोड है, मैं चारों डायोड ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक एक करके कनेक्शन काट देता हूँ। दोस्तों आपको डायरेक्ट दिखाऊँगा ये चारों डायोड लगाने के बाद, आपको सप्लाई भी दे के दिखाऊँगा। तो दोस्तों इसलिए ये वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि न्यू टेक्नीशियन को कन्फर्म नॉलेज मिल जाएगा कि एक डायोड शॉर्ट होने के बाद भी इस तरह प्रॉब्लम देखा जाता है। मेनली फ्यूज काट जाता है, टीवी का फ्यूज, जिस घर का एनसीबी नहीं है वो घर का फ्यूज भी काट जाता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो और सीरीज लैम्प से टेस्ट करेगा तो सीरीज लैम्प फुल जल जाएगा, ठीक है, और जिस घर का अंदर एनसीबी है वो घर का एनसीबी वो डाउन हो जाता है, ठीक है, ये सिम्टम होता है। तो दोस्तों इसका जो मेन रीज़न है, ये चारों डायोड हो सकता है, ठीक है, पीटीसी भी शॉर्ट होने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकता है, मेन कैपेसिटर शॉर्ट होने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकता है, मेन ट्रांजिस्टर पावर प्रॉब्लम होने का भी इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है। मेनली यही पार्ट से इस तरह प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और एसी कॉट का बाद में छोड़ देता हूँ, क्योंकि एसी कॉट शॉर्ट हर टाइम नहीं होता है, तब भी एसी कॉट कुछ भी रीजन से शॉर्ट हो जाएगा, चूहा से काटेगा और वो पॉइंट पर शॉर्ट हो जाएगा तो भी इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए चारों डायोड में लगा दिया और आपको सप्लाई देके एक बार इस टाइम दिखाता हूँ। और आप ध्यान दीजिए, ये बिजली गिर जाने के बाद ये टीवी का फॉल्ट हो गया था, ठीक है। तो एसी कॉट में कनेक्ट कर दिया और देखिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। दोस्तों देखिए मैं सप्लाई जब दे दिया कि इसका बल्ब ये और ग्लो नहीं हो रहा है, लगता है कि इसका सप्लाई इनपुट हो रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए टीवी अभी तक ऑन नहीं हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो, मैं जितना बार सप्लाई दे देता हूँ स्विच ऑन करके, इसका जो 200 वाट बल्ब ये नहीं अभी जल रहा है। तो चलिए ये पीसीबी का वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा, मैं अलग सा कट कनेक्शन काट लेता हूँ, क्योंकि पीसीबी को उल्टा करके मैं टेस्ट करूँगा वोल्टेज, और टीवी का जो कॉर्ड वो बहुत छोटा है, ठीक है। दोस्तों देखिए
मैं अलग से कॉर्ड लगाया और उसके बाद कुछ वोल्टेज चेक करना पड़ेगा कि ये ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं फास्ट आपको बताया बिजली गिर जाने के बाद बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं मीटर को 200 डीसी रेंज पर रखा है और फास्ट इसका 110 वोल्ट सप्लाई चेक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो ESD सप्लाई 111 ये ओके है और ये वोल्टेज जो आउटपुट ट्रांजिस्टर पर ये देखिए जाता है। ठीक है, तो सेट तो ऑन नहीं हो रहा है और इसका 180 वोल्ट लाइन देखिए सेम वोल्ट है जो ESD सप्लाई जैसा, तो इसलिए कॉन्फर्म हो गया कि इसका ESD ऑन नहीं हो रहा है। तो अलग अलग वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। देखिए 25 वोल्ट जो वर्टिकल सप्लाई ये भी ओके है, और दोस्तों ये रेगुलेटर सप्लाई 11 वोल्ट भी ओके है, और ये साउंड सप्लाई 15 वोल्ट के आसपास ये भी ओके है। तो लगता है कि इसका सब कुछ वोल्टेज ओके है, और क्या देखना पड़ेगा। तो दोस्तों कोई बात नहीं, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ वोल्टेज चेक करके देख लेता हूँ, क्योंकि जिस तरह वोल्टेज आपको चेक करके देखाऊंगा, ESD जो होता है ESD ऑन प्रोसेस के ऊपर मैं जो वीडियो बना के रखा है उस वीडियो में ये मैं सब कुछ देखा है। उसके बाद ड्राइवर सप्लाई चेक करके देख लेता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, इसका ड्राइवर सप्लाई 25 वोल्ट भी ओके है, ये इनपुट सप्लाई है, और इसका आउटपुट सप्लाई भी 25 वोल्ट है, ये अनलोड कंडीशन पर है, और ये सप्लाई आउट ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर जाता है, और इसका बेस पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है जो 0.4 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। तो चलिए लगता है कि इसका स्टैंड बाई ऑन नहीं है। तो दोस्तों स्टैंड बाई ऑन है कि नहीं है ये भी एक बार कन्फर्म करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, स्टेप बाई स्टेप सब कुछ देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 88 का EIC है। ठीक है, तो EIC स्टैंड बाई ऑन होने के बाद 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आता है। ये जो ट्यूनर का एक 5 वोल्ट पिन है, देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट होना चाहिए, आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद ये जो 8 वोल्ट IK वोल्टेज होता है, ये पॉइंट से बेसबोर्ड पर वोल्टेज जाता है, देखिए यहाँ पर भी 8 वोल्ट नहीं है। और उसके बाद देखिए मेमोरी का अलग सप्लाई जो 5 वोल्ट ये भी मौजूद है। तो दोस्तों लगता है इसका PCB स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। तो दोस्तों ये लास्ट वाला पिन 64 पिन देखिए 2.9 वोल्ट के आसपास ये स्टैंड बाई पिन है। तो ये पिन पर जब इतना वोल्टेज देखेगा तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। दोस्तों इसलिए ये जो पॉइंट है आप देखिए, ये पैनल का पॉइंट है। ठीक है, ये पैनल पॉइंट जो होता है, ये पैनल पॉइंट पर भी 5 वोल्ट मौजूद है। ठीक है, 5 वोल्ट मौजूद है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उंगली से थोड़ा सा पानी लेके यहाँ पर इस तरह टच कीजिए। टच करने के बाद उसका स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है। तो दोस्तों मैं टच किया और देखता हूँ, देखिए तब भी इसका स्टैंड बाई से ये सेट ऑन नहीं हो रहा है, स्टैंड बाई वोल्टेज यहाँ पर रुक गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह टच करने के बाद तो बहुत चाइना पीस भी ऑन हो जाता है। तब भी आपको एक ट्वीजर लेके मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो पॉइंट को जो पैनल का जो पॉइंट है एक बार इस तरह शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करने के बाद वो स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है। तब भी दोस्तों देखिए ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों क्या प्रॉब्लम लग रहा है, तो आपको फास्ट बात है कि ये बिजली गिर जाने के बाद ये फॉल्ट हो गया। तो दोस्तों आप ज़रूर कॉमन करें कि इसका प्रॉब्लम क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के ऊपर आपको वीडियो देगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो गया। तो तब भी दोबारा चेक करके ट्राई करके आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये जो रिस्पॉन्स ये देता है, मैं जब टच करता हूँ, टच करने के बाद थोड़ा वोल्टेज बढ़ जाता है, लेकिन वो पूरा ही जीरो होना चाहिए। जब वो वोल्टेज जीरो हो जाएगा तब अलग से जो रेगुलेटर से 5 वोल्ट और 8 वोल्ट वो आउटपुट होता है, लेकिन ये वोल्टेज जब आउटपुट नहीं होगा तो ESD कभी ऑन नहीं होगा। अब देख सकते हो इसका 110 वोल्ट ये ओके है, और इसका जो 180 वोल्ट का लाइन ये सेम वोल्ट है। तो दोस्तों मैं ये जो ESD ऑन प्रोसेस का वीडियो एक बना के रखा है, ये पोजीशन पर आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और दोस्तों ये वीडियो का जो मैं बनाऊँगा और अलग से एक वीडियो में बना के देगा, ये प्रॉब्लम कैसे हुआ है, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वो वीडियो ये साइट पर आपको दे देगा, तब ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों आपका नॉलेज ये प्रॉब्लम का ऊपर है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर भी सकते हो। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करें इसका प्रॉब्लम का रीज़न क्या है।